पिछले 48 घंटों में जेडीयू चकर घिन्नी की तरह घूम गई है। वो समझ नहीं पा रहे कि उनके मुखिया शरद यादव आखिर चाहते क्या हैं, आखिर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। क्या जेडीयू में अपनी कमजोर होती साख को बचाने के लिए शरद यादव कोई सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं शरद यादव के पिछले कुछ दिनों में लिए गए फैसलों से। बिहार में महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद से ही शरद यादव अपने साथी नीतीश कुमार से नाराज हैं। नीतीश के फैसलों के खिलाफ उन्होंने खुलेआम नाराजगी जाहिर करते हुए लालू यादव से मुलाकात भी कर ली और दूसरे विपक्षी गठबंधन के साथ भी गलबहियां करते नजर आए। और तो और, गुजरात के राज्यसभा चुनाव में जिस तरह शरद यादव ने बागी तेवर दिखाते हुए अहमद पटेल को सपोर्ट किया, उससे लोगों की त्योरियां और तन गई। इतना ही नहीं, 10 से 12 अगस्त के बीच 3 दिन तक शरद यादव बिहार के 7 जिलों में जाकर लोगों से महागठबंधन टूटने पर उनकी राय भी लेने वाले हैं, उनसे वो बात भी करने वाले हैं। शरद यादव की यही हरकतें जनता दल यूनाइटेड के भीतर चिंता पैदा कर रही हैं। आखिर शरद की इन हरकतों के मायने क्या हैं? क्या शरद जेडीयू में अपनी अहमियत जताने के लिए सब कर रहे हैं, या फिर वो जेडीयू में नीतीश से नाराज लोगों को अलग कर एक नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं? हालांकि शरद कभी नरम तो कभी गरम की राह पर चल रहे हैं और शरद की यही चाल सबको कंफ्यूज कर रही है। कभी शरद यादव भावनाओं में बहकर कुछ और बयान देते हैं और बाद में ये भी कहते हैं कि उन्होंने भावनाओं में बहकर नई पार्टी बनाने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर वो लालू यादव के साथ जाने से भी पीछे नहीं हिचकते, और जब एक बार सब कुछ शांत नजर आने लगता है तो फिर शरद यादव नीतीश कुमार के खिलाफ मीडिया के सामने बयानबाजी करते हैं। नीतीश से बगावत करने के बाद अब पार्टी शरद यादव को लेकर काफी सख्त है। उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। पार्टी उन्हें राज्यसभा के नेता पद से हटा सकती है और पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ऐसे में शरद यादव की कश्मकश को समझा जा सकता है, लेकिन जिस तरह के बयान और सियासी समीकरण फिलहाल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनके चांसेस 50-50 के ही हैं। या तो उनकी नैया पार होगी या फिर पूरी तरह डूब जाएगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।